Yes, students, let's start our discussion with molecular basis of inheritance. So, इस चैप्टर में हमने अभी तक बात करी थी फ्रेडरिक ग्रिफ्स की. तो फ्रेडरिक ग्रिफ्स ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, माइस लिया और उसको निमोनिया इन्फेक्शन कराने की कोशिश की. उसके दो स्ट्रेन लिए, एक रफ स्ट्रेन लिया और एक स्मूथ स्ट्रेन लिया. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि स्मूथ स्ट्रेन से माइस डाई, ठीक है, और रफ स्ट्रेन से माइस सरवाइव. हीट किल एस स्ट्रेन, माइस सरवाइव एंड हीट किल रफ स्ट्रेन, इनके मिक्सिंग से माइस डेड. ठीक, तो उन्होंने यहां से देखा था कि जब इन दोनों की मिक्सिंग हुई तो माइस के डेड होने का रीजन क्या रहा. तो उन्होंने यहाँ से ये पता करा कि कोई ऐसी चीज है जो ट्रांसफर हो रही है मिक्सिंग के बाद, और उसको उन्होंने क्या बताया, डीएनए. ठीक है, फिर मैक्लियर, मैक्लार्टी और एवरी ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने डीएनए प्रोटीनेज आरएनए के बिहाफ पे ये प्रूफ किया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल. ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जब कोई हमने दो मिक्सिंग की तो डीएनए को डाइजेस्ट कराने के लिए, प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने के लिए और आरएनए को डाइजेस्ट कराने के लिए तीन बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. तो आरएनए को डाइजेस्ट कराने के लिए आरएनए डाला, डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद भी जेनेटिक मटेरियल वन जनरेशन टू अनदर ट्रांसफर हो गया, यानी माइस की डेथ हो गई. लेकिन फिर उन्होंने प्रोटीएज डाला, तब भी ऐसा ही हुआ, लेकिन जैसे ही डीएनए डाला तो उससे पता चला कि डीएनए डाइजेस्ट होने के बाद जो पेरेंटल कैरेक्टर्स थे वो पेरेंट से प्रोजेनी तक ट्रांसमिट नहीं हुए, जिससे ये पता चलता है कि डीएनए ही अपने आप में जेनेटिक मटेरियल है जो इंफॉर्मेशन कैरियर का सोर्स भी है. ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल करने के बाद हमारे पास चीज पूछ लिया हार से एंड से. हाँ बेटा बताओ. यस स्टूडेंट, हियर इज अ क्वेरी. Difference between DNAs and DNAs. ठीक है, सबको समझ में आया. तो इसके बीच में हमसे डिफरेंस पूछा गया है DNAs और DNAs के बीच में. तो आप देखेंगे क्लियरली, हाँ हमें पता चल रहा है कि जो DNA है वो क्या है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ये एक हेरिडिटी मटेरियल होता है ह्यूमंस के बीच में और बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स के बीच में. लेकिन जो डी एन ए ऐसी है वो क्या है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियस. और ये एक एंजाइम है जो कैटेलाइज करता है हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज को. क्या करता है, जो हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज होती है, ब्रेकडाउन कराना यानी. ठीक है, तो उसका ये ब्रेकडाउन कराता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज का डीएनए में, ताकि उसकी बैकबोन को ब्रेक कर सके और वहां पे रिएक्शंस को करा सके. ठीक है, जो आपका डीएनए होता है ये कहाँ पर है, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस. वी ऑल नो कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियस से आया, लेकिन जो डीएनएज है डाइजेस्टिंग एंजाइम वो सेल के साइटोप्लाज्म में होगा. ठीक, अब जो डीएनए है इसका काम क्या है, ट्रांसफर कराना जेनेटिक इंफॉर्मेशन वन जनरेशन टू अनदर. लेकिन डीएनए इसका क्या काम है, ये एक एंजाइम है और ये डीएनए को ब्रेक, इसको ब्रेक करेगा यानी क्लीवेज करेगा इसका, जब भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इसकी जरूरत पड़ेगी तब. बताइए क्लियर हुआ. चलिए चलते हैं आगे थोड़ा थोड़ा हुआ मैम टॉपिक की तरफ. देखिए, अब हमारा आता है प्रूफ फॉर डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल. यानी अभी तक हमने देख लिया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, अब उसका हम देखेंगे प्रूफ. ठीक, यानी डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, इसको प्रूफ करने के लिए हार्शे एंड चेज ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसको आप हार्शे चेज एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं. ठीक है, हार्शे एंड चेज, इन्होंने क्या लिया,
इन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया 1958 में, ठीक है। और उन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस को दो मीडियम में ग्रो कराया, और हमारी बुक में 1952 लिख रहा है। बेटे सन जो होते हैं वो वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है, कब कहीं कुछ भी मेंशन हो सकता है, लेकिन आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही करिए। एनसीईआरटी 1952 है, हाँ, तो आप वही लिख लीजिए। तो हार्शे और फेज ने एक्सपेरिमेंट जो किया, रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, ठीक है, रेडियो एक्टिव सल्फर और फॉस्फोरस पे ग्रो कराया, जिसमें हमारा इनके आइसोटोप्स लिए गए। रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेनिंग मीडियम से रेडियो एक्टिव प्रोटीन की ग्रोथ हुई, और यहाँ हुई रेडियो एक्टिव डीएनए की। उन्होंने इनको पास आउट कराया इनके दोनों आइसोटोप्स में, ठीक है। S35 आइसोटोप, क्योंकि 16 का सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, एटॉमिक मास इसका 32 हो जाता है, तो ये इसका एक आइसोटोप है, क्योंकि आइसोटोप क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक। इसी तरीके से फॉस्फोरस है, इसका 15 होता है एटॉमिक नंबर, 30 इसका एटॉमिक मास, और ये इसी का एक आइसोटोप है P32। इन मीडियम्स पे ग्रो कराया, और उन्होंने देखा कि एक मीडियम पे इन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस की ग्रोथ ऑब्जर्व करी, और एक पे रेडियो एक्टिव सल्फर की, ठीक। सम बैक्टीरियोफेज वायरस वर ग्रोन ऑन अ मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड सम इन अनदर मीडियम विद रेडियो एक्टिव सल्फर। तो वायरस ग्रोन इन प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए। आप यहाँ से ये चीज याद रखेंगे कि पी यानी फॉस्फोरस, पी यानी प्रोटीन, तो पी और पी एक साथ नहीं है, यानी फॉस्फोरस मीडियम पे प्रोटीन नहीं लिया। यहाँ से आपको ये चीज लर्न रहेगी, मिक्स नहीं होगी, कि फॉस्फोरस के साथ हम क्या लिया, रेडियो एक्टिव डीएनए लिया, फिर उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर लिया, जहां पर वहां उनका रेडियो एक्टिव प्रोटीन पहुंचा आगे, ठीक। तो बोथ द रेडियो एक्टिव वायरस टाइप्स वर अलाउड टू इंफेक्ट इकोलाई रेस्पेक्टिवली। अब हमने क्या ले लिया, इकोलाई बैक्टीरिया ले लिया, ये वायरस था बैक्टीरियोफेज, उसको हमने ग्रो कराया एक मीडियम में जिसमें डीएनए था, और एक में कराया जिसमें प्रोटीन था। अब इनको बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करा दिया, कौन से बैक्टीरिया में, इकोलाई में, ई एस्टीरिया कोलाई में ग्रो करा दिया। तो ये देखा गया कि जो वायरस था बैक्टीरियोफेज वायरस से बैक्टीरिया में जो रेडियो एक्टिव नेचर पहुंची वो केवल फॉस्फोरस मीडियम में पहुंची, ठीक है। हाँ, इसमें सल्फर वाले मीडियम की रेडियो एक्टिव नेचर ई कोलाई बैक्टीरिया में पहुंची ही नहीं, जिससे ये पता चला कि जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पहुंचती है तो डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है जो ट्रांसमिट कराएगा कैरेक्टर को पेरेंट से प्रोजेनी तक, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि सोन आफ्टर इंफेक्शन द बैक्टीरियल सेल वर जेंटली एजिटेटेड इन ब्लेंडर, जो बैक्टीरियल सेल थी, ठीक है, इकोलाई बैक्टीरिया की, उसको ब्लेंडर किया और उसकी वायरल कोर्स को रिमूव कर दिया बैक्टीरिया की। फिर उसको हमने कल्चर कराया, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक कराई यानी मिक्सिंग कराया, और वायरल पार्टिकल को बैक्टीरियल सेल से अलग करा। फिर हमें ये पता चला कि जब वायरल पार्टिकल को बैक्टीरियल से अलग किया कि केवल डीएनए ही आगे की तरफ ट्रांसमिट हुआ, ओनली रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वॉज फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद बैक्टीरियल सेल, वेयर एज रेडियो एक्टिव सल्फर वॉज ओनली फाउंड इन सराउंडिंग मीडियम नॉट इन बैक्टीरियल सेल। जैसे ही उनको सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग कराया वायरस की कोट को और बैक्टीरियल सेल को, तो ये देखा गया कि केवल रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस ही बैक्टीरियल की सेल के अंदर मिला, रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं मिला, वो केवल सराउंडिंग मीडियम में मिला। तो उससे क्या पता चला कि जो सेल के अंदर गया यानी न्यूक्लियस में पहुंचा वो डीएनए था, और जो फॉस्फोरस के अंदर था यानी रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से जिसकी ग्रोथ हुई थी।
ठीक है, दिस प्रूव्स दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल विच इज पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया एंड नॉट द प्रोटीन. देखिए बेटा यहाँ हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हो गया, फिर बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन हो गया, अब हमारा द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए. तो इसके प्रूफ के लिए यहाँ दिया था हमें एल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेज ने एक्सपेरिमेंट दिया और उन्होंने इस वायरस के और उन्होंने वायरस के साथ बैक्टीरियोफेज वायरस के साथ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया. ठीक, तो उन्होंने क्या देखा कि बैक्टीरियोफेज वायरस अटैचेस टू द बैक्टीरिया. बैक्टीरियोफेज किससे अटैच हुआ? बैक्टीरिया से. एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल दैट एंटर्स द बैक्टीरियल सेल. और उसका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर चला गया. बैक्टीरियल सेल ट्रीट द वायरस जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट इज वाज इट्स ओन एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर मोर वायरस पार्टिकल. तो बैक्टीरियोफेज वायरस को क्या लगा, बैक्टीरियल सेल को क्या लगा कि जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल आया है ये उसी का जेनेटिक मटेरियल है और उसने ऐसे बहुत सारे वायरस पार्टिकल्स अपना डीएनए समझ के अंदर बना दिए. तो उन्होंने ये डिस्कवर किया कि इट वाज प्रोटीन और डीएनए, यानी प्रोटीन था या डीएनए था जो वायरस से बैक्टीरिया के अंदर गया और बैक्टीरिया को लगा कि ये मेरा ही जेनेटिक मटेरियल है और उसने बहुत सारे वायरस बना दिए. तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए, ये जानने के लिए कि जो कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करा रहा है वो प्रोटीन है या डीएनए, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. उन्होंने क्या किया, दे ग्रो सम वायरस ऑन अ मीडियम, कुछ वायरस को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर के मीडियम पे ग्रो कराए. तो वायरस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, जिनके पास फॉस्फोरस था उसके पास डीएनए था, ठीक है, लेकिन रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं था उसके पास. फॉस्फोरस वाले के पास केवल डीएनए था, प्रोटीन नहीं था. लेकिन सल्फर वाले के पास क्या था, प्रोटीन था, डीएनए नहीं था, ठीक है. तो सिमिलरली वायरस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डीएनए के पास सल्फर होता ही नहीं है. रेडियोएक्टिव फेजेस वर अलाउड टू अटैच टू इकोलाई बैक्टीरिया. रेडियोएक्टिव फेजेस जो थे, यानी बैक्टीरियोफेज की जो रेडियोएक्टिव फॉर्म थी उसे इकोलाई बैक्टीरिया से अटैच कराई, फिर इन्फेक्शन जैसे जैसे बढ़ा वायरल कोट रिमूव करा दी, ब्लेंडर करा दिया उसको, सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट करा दिया. तो बैक्टीरिया जिसको इन्फेक्शन हुआ था वायरस से, उसके पास रेडियोएक्टिव डीएनए था, वो रेडियोएक्टिव था, ठीक. और इससे ये पता चला कि डीएनए ही मटेरियल है जो ट्रांसमिट हुआ है, ट्रांसफर हुआ है वायरस से बैक्टीरिया, ठीक है. तो डीएनए इज देयरफॉर जेनेटिक मटेरियल दैट इज पास्ड फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया. इस फिगर से आप देख सकते हो, पहले इन्फेक्शन कराया, अब ब्लेंडिंग हुई, मिक्सिंग हुई, सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ. तो यहाँ पे क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद सल्फर वाले में केवल जो प्रोटीन वाला वाले में सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक होती है ना, जैसे हम घर में भी यूज करते हैं इसका, दूध से मलाई से मक्खन बटर बनाने में, या क्रीम दूध से क्रीम अलग करने में भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज करते हैं, जिसमें रोटेशन करते हैं और दो चीजों को अलग किया जा सकता है, उस टेक्निक को कहते हैं. तो ऐसे सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से जो बैक्टीरियल जो वायरल की वॉल थी, सेल वॉल, वायरस की जो आउटर कवरिंग थी और बैक्टीरिया, इनका मटेरियल अलग हो गया और आसानी से ये पता लगाया जा सका कि जो ट्रांसमिट हुआ है वो केवल डीएनए ही करा रहा है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक मटेरियल,